नमस्ते स्टूडेंट्स आई जे वी इन इंदू असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मैथोलॉजी जयोति विद्यापीठ मंस यूनिवर्सिटी टूडे आई विल डिस्कस द स्टेप्स फॉर सोल्विंग द न्यूमेरिकल्स यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स किचॉब्स करेंट लो के अंदर हम जो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वो बेस्ट होता है नोडल एनालिसिस मेथड के ऊपर तो नोडल एनालिसिस मेथड देखने से पहले हम लोग के सी एल करंट लो KCL, का स्टेटमेंट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द किरचोप्स करंट लो द एलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू के सी एल किसी एक पॉइंट और जंक्शन के ऊपर जो मीटिंग करंट्स हैं उनका एल सम क्या होगा विल बी जीरो सपोज़ यहाँ पे जो डोट कर रखा है वो एक पॉइंट है या फिर उसको आप एक जंक्शन बोल सकते हो तो इस जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है तो यहाँ पर जो एल सम होगा इनकमिंग और आउटगोइंग गोइंग करंट्स का वो इक्वल टू होगा जीरो के तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम के सी एल फॉर दिस नोड समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो नेक्स्ट इज जंक्शन वी नो दैट अ जंक्शन इज अ पॉइंट इन एनी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेज कम्बाइन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेज कम्बाइन होती हैं और वी कैन से दैट अ जंक्शन इज अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वेर द करेंट डिवाइड्स जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जहाँ पर करंट डिवाइड होता है नेक्स्ट इज नोड नोड इज अ पॉइंट वेर टू और मोर देन टू ब्रांचेज कम्बाइन नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टू और मोर देन टू ब्रांचेज कम्बाइन होंगी सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर करंट टू गेट डिवाइड इन द नोड सो करंट के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि जो नोड है वहाँ पर करंट डिवाइड होगा ही सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर करंट टू गेट डिवाइड इन द नोड ऑल दो करंट कैन डिवाइड ऑन अ नोड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी करंट डिवाइड हो भी सकता है नोड के ऊपर बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इस्टूडेंट तो जंक्शन के अंदर जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जहाँ पे करंट डिवाइड होगा ही होगा बट नोड एक ऐसा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जहाँ पर करंट डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं नोड और जंक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी सर्किट के अंदर तो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ नोड्स, तो ए टू देर इज नोट कनेक्टेड एनी एलिमेंट सो देट दिस पर्टिकुलर सर्किट कैन बी एक्सप्रेस एज आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं उसमें ए पॉइंट से ई e पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट को ए से ई e के बीच में हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं बिकॉज़ ए टू एफ़ और एफ़ टू ई कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो ए टू एफ़ कुछ पॉइंट है ही नहीं है ऐसा तो हम एफ को रिमूव करके ए टू ई का डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है जो ए है वो ई से तो कनेक्टेड हो रहा है बीच में कोई एलिमेंट है नहीं तो हमने ए टू ई क्या कर दिया डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया इज नोट ए नोड बिकॉज हियर बी टू ई डायरेक्टली कनेक्टेड ए कोई नोड नहीं है बस हम लोगों ने क्या कर दिया है बिकॉज हियर बी टू ई डायरेक्टली कनेक्टेड अब देखिए हमने क्या कर दिया है जो बी टू e है बी टू e, उसको क्या कर दिया है डायरेक्ट कनेक्टेड है वो तो हियर बी इज ए नोड एंड सी इज ऑल्सो नोड देखिए इस वाले सर्किट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था ए टू एफ और एफ टू e कोई एलिमेंट नहीं था तो हमने ए टू e डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया था अब बट जो पॉइंट ए है ये कोई नोड नहीं है ना हम तो नोड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो ए जो है इस ए पॉइंट पे टू और मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है तो हमारा ए यहाँ पे नोड नहीं है अब बात करते हैं बी की अब बी देखिए बी ई से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ पर जो बी है एक नोड है देखिए जो बी है उससे थ्री और मोर थ्री एलिमेंट्स कनेक्टेड है और जो सी है वो भी क्या है एक नोड है बिकॉज सी से भी क्या थ्री एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो जिस पॉइंट पे थ्री और मोर देन थ्री एलिमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं या जिस पॉइंट पे टू या मोर देन टू एलिमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं वो हमारा नोड होता है तो देखिए हियर पॉइंट बी सी एंड डी ऑल आर जंक्शंस वेर पॉइंट बी एंड सी आल्सो नोन एज प्रिंसिपल नोड्स तो यहां पर पॉइंट बी सी डी सारे क्या है? हैं ये जंक्शन है जंक्शन का क्या डिफिनेशन है कि ऐसा पॉइंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जहां पे थ्री और मोर देन थ्री एलिमेंट्स क्या हों थ्री और मोर देन एलिमेंट्स कनेक्टेड हों तो यहाँ पर बी सी डी क्या है आप देख सकते हैं बी से थ्री एलिमेंट्स कनेक्टेड है डी सी से थ्री एलिमेंट्स कनेक्टेड है और डी से मोर देन थ्री ब्रांचेस क्या हैं कनेक्टेड है तो बी सी डी क्या है यहाँ पे जंक्शंस हैं और जो पॉइंट बी एंड सी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल नोट वी अप्लाई के सी एल ऑन प्रिंसिपल नोट्स और एक्टिव जंक्शंस हम लोग के सी एल अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल नोट्स पर और एक्टिव जंक्शंस पर वेर पॉइंट डी इज़ ऑलवेज टेकन एज रेफरेंस नोट यहाँ पर जो पॉइंट डी है उसको हमेशा रेफरेंस नोट लिया जाता है बिकॉज़ देखिए ये जो रेफरेंस नोट है यहाँ पर जितने भी ब्रांचेज हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की वो सारी इस पॉइंट पर आकर के क्या हो रही है कंबाइन हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं रेफरेंस नोड बोलते हैं एट दिस पॉइंट ऑल द करेंट्स ऑफ सर्किट मीट एंड वी कैन ग्राउंड दिस नोड आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे सारी करेंट्स क्या कर रही है मीट कर रही है एंड इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं इस नोट को हम क्या कर सकते हैं ग्राउंड कर सकते हैं वेन वी अप्लाई के सी एल इन द सर्किट देन इट इज़ नॉन एज नोडल एनालिस मैथड जब हम लोग सर्किट के अंदर के सी एल अप्लाई करते हैं केच ऑफ करंट लो अप्लाई करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं नोडल एनालिस मैथड के नाम से हम उसको जानते हैं नेक्स्ट इज के सी एल के अंदर जो जब हम लोग किसी भी सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग नोडल एनालिसिस नोडल एनालिसिस के मेथड के नाम से जानते हैं तो अब स्टेप्स देख लेते हैं स्टेप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने केवील के अंदर मैश एनालिसिस मेथड के अंदर स्टेप्स देखे थे कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे सबसे पहले कितने मैसेज आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ मैसेज उसके बाद में हम लोग करंट का डिरेक्शन करंट कंसीडर करेंगे पर्टिकुलर मैज के अंदर कि कौन से डिरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे थे उनको नेम देंगे तो फिर उसके बाद में हम लोग पर्टिकुलर मैज के अंदर क्या करेंगे केवियल अप्लाई करेंगे अब केवियल के लिए हम लोग वी कोस्टू आई आर के फॉर्म में लिखते थे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे किच करंट लोग के अंदर जब भी हम लोग किसी सर्किट में कैसीएल अप्लाई करेंगे तो हम लोग उसको नोडल एनालिसिस मेथड बोलते हैं तो नोडल एनालिसिस मेथड कैस नो नोडल एनालिस नोडल एनालिसिस मेथड से हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या क्या, क्या स्टेप्स हैं सबसे पहले क्या स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड और जंक्शंस प्रजेंट इन द नेटवर्क सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स और कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स और जंक्शंस प्रजेंट हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे असाइन अ जंक्शन पोटेंशियल ऑन जंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द असाइंड रेफरेंस जंक्शन हैविंग अ वैल्यू वी नोट इक्वल्स टू जीरो वोल्ट सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम असाइन करेंगे एक जंक्शन पोटेंशियल को ऑन ईच जंक्शन हर एक जंक्शन पर हम क्या करेंगे पोटेंशियल पोटेंशियल असाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द असाइन रेफरेंस जंक्शन हैविंग अ वैल्यू वी नोट इक्वल्स टू जीरो वोल्ट हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर हर एक जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल असाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस जंक्शन जिसका वैल्यू क्या होगा वी नॉट इक्वल्स टू जीरो वोल्ट थर्ड स्टेप में क्या करेंगे एजूमिंग ऑल द कर इन आउट गोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ए जंक्शन फ्रॉम द के सी एल इक्वेश फ्रॉम द के सी एल इक्वेशन थर्ड स्टेप में हम लोग एजूम करेंगे कि जितने भी करंट्स हैं वो सब क्या है आउट गोइंग डायरेक्शन के अंदर है फ्रॉम ए जंक्शन हर एक जंक्शन से जितने भी करंट्स जितने भी करेंट्स उस जंक्शन पे मीट कर रही हैं उसको लीव कर रही हैं तो उस जंक्शन पे हम लोग कंसिडर करेंगे जितनी भी करेंट्स हैं वो आउटगोइंग डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही हैं तो हर एक जंक्शन हर एक जंक्शन पर जो करंट का डायरेक्शन हम लोग अज्यूम करेंगे वो आउटगोइंग डायरेक्शन हम लोग अज्यूम करेंगे केसिल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हर एक जंक्शन पर करेंट्स का डायरेक्शन हम लोग आउटगोइंग डायरेक्शन में लेंगे करंट्स का डायरेक्शन हर एक जंक्शन पे हम लोग आउट गोइंग कंसिडर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सोल्व द इक्वेशंस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जंक्शन पोटेंशियल्स अब जो इक्वेशंस आ गई हैं उन इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे जंक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे यूजिंग इंडिविजुअल जंक्शन पोटेंशियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इंडिविजुअल जंक्शन पोटेंशियल्स जो हैं उनको यूज करेंगे किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग इंडिविजुअल जंक्शन पोटेंशियल्स को यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो तो स्टेप्स हैं अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बट जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो नोडल जो नोडल एनालिसिस मेथड के ऊपर बेस्ड होगा तो उसमें ये सारे स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे तो उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो आप इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिएगा नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ न्यूमेकल्स इन के सी एल करंट लो के अंदर किस किस टाइप के न्यूमेकल्स के साथ हम लोग डील करेंगे जैसा किचोप्स वोल्टेज लोक के अंदर हम लोग थ्री टाइप्स के न्यूमेकल्स पे डील किए थे उसी तरह किचोब्स करंट लोक के अंदर कौन कौन से टाइप्स के न्यूमेकल्स पर हम लोग डील करेंगे वो हम लोग देखते हैं टाइप वन न्यूमेकल जो होगा उसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको गिवन होगा उसमें ओनली रजिस्टेंसेस एंड वोल्टेज सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे एंड टाइप टू जो न्यूमेकल कैसेल के अंदर हम लोग डील करेंगे उसमें वोल्टेज सोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे करंट सोर्सेस भी अवेलेबल रहेंगे एंड रजिस्टेंसेस भी अवेलेबल रहेंगे तो जो करंट सोर्स अवेलेबल रहेगा वो किसी भी ब्रांच के अंदर अवेलेबल रह सकता है सो आई होप यू आर सेटिसफाइड विद माई टूडे डिजिटल सेशन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजोल्व इट ऑन द लाइव सेशन थैंक यू